खबर बलिया से है, जहां जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिले के माध्यमिक शिक्षा विभाग में दलालों के वर्चस्व का आरोप लगाया है। बलिया DIOS ने विभाग के कुछ लोगों और बाहरी लोगों पर झूठी शिकायतों के जरिए विभाग को बदनाम करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने ऐसे लोगों द्वारा दबाव बनाकर जबरदस्ती मनमाना काम कराने का आरोप लगाया। मामला जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ एक शिकायती पत्र से जुड़ा हुआ है। अजय सिंह नामक व्यक्ति के DIOS रमेश सिंह पर प्रबंधन विद्यालयों में मनमानी नियुक्ति और वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए शासन को शिकायती पत्र भेजा, जिसके संदर्भ में बताते हुए DIOS ने कहा, मामले की जाँच के लिए शिकायतकर्ता के पते पर पंजीकृत डाक से पत्र भेजा गया, लेकिन पत्र इस नोट के साथ वापस आ गया कि उक्त पते पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। उन्होंने दावा किया कि विभाग में सारे कार्य नियम कानून से शासन के निर्देश पर होते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व विभाग को बदनाम करने और उन्हें दबाव में लेने के लिए झूठी शिकायतों और गलत तरीके से PIL का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसे तत्वों के दबाव में न आकर अपना कार्य नियम कानून के मुताबिक शासन के निर्देश के तहत जारी रखेंगे। बिल्कुल, आपको बताएं, श्री अजय कुमार सिंह नवाब सिवान बिहार हाल मुकाम जापलीगंज बलिया, जो कि इस पते पे रजिस्टर्ड भेजा गया, आज इनको बुलाया गया था। बुलाने के बावजूद भी न तो ये आए और रजिस्ट्री जो भेजी गई वो रजिस्ट्री वापस आ गई थी, यह लिखते हुए कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ इस कार्यालय और इसका कार्यालय के प्रांगण के बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक को सिर्फ बदनाम करने की नीयत से कि यह किसी स्वरूप में बदनाम हो और बदनाम हो करके उनकी मनमानी, जो उनका एक स्वार्थ और जो उनका एक जो है क्या नाम है दलाली कार्यालय में चलती थी, वो कार्यालय की दलाली बंद हो गई है। उस दलाली को चलाने के लिए कि यह हट जाएंगे तो हम लोगों की दलाली पुनः चलेगी। आप पूर्व में ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस कार्यालय को पूरी तरह से चलाते थे। आज वर्तमान पोजीशन में ये है कि हमारा अध्यापक स्वयं आता है और अपनी बात को कहता है और कह करके अपनी समस्या का निदान करा करके जाता है। अगर निदान एक दिन में नहीं हो पाता है तो दूसरी बार में निश्चित रूप से उसका निदान होता है। तो ये सिर्फ एक मतलब पूरे जनपद को, शासन को, विभाग को, जिला प्रशासन को, सबको गुमराह करने के लिए फर्जी नामों से इस तरह की शिकायतें करके सिर्फ हमें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इनकी खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। UP News 9 के लिए रिपोर्टर अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट कैसी लगी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।